नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री ने जिला योजना की बैठक ली। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जिले के विकास कार्यों को लेकर जिला नैनीताल के अधिकारियों और सभी विधानसभाओं के विधायकों के साथ जिला योजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें नैनीताल जिले में पुराने और नए कार्यों को लेकर 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जिले में काफी समय से लंबित पड़े पुराने कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई, जिसमें अधिकारियों को पुराने कार्यों में यथाशीघ्र गति लाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल के जिला योजना की आज बैठक हुई, 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटित हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे डीपीसी मेंबर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और सर्वसम्मति के साथ में जनपद नैनीताल के विकास के लिए सबने अपनी सहमति प्रदान करी। जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में जिला योजना की बैठक जब आहूत होगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें ताकि समय रहते हुए उनकी योजनाएं स्वीकृत हो सके। जो बजट आवंटित 55 करोड़ का हो पाया है उससे सारी समस्याएं नैनीताल जिले की पूर्ण हो जाए संभव नहीं है, लेकिन विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी ने सबकी बात सुनी और पारदर्शी तरीके से मीडिया भी मौजूद रहा, आप सबके सामने सारी गतिविधि हुई। थोड़ा जो डीपीसी के सदस्य हैं और अन्य जो सदस्यगण हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि अधिकारीगण पहले कुछ जानकारी नहीं देते या किस प्रकार से प्रस्ताव पेश करने हैं इस पर उनको जानकारी का अभाव है। तो इन सब चीज़ों में भी जनप्रतिनिधि जितने विधायकगण थे उन्होंने भी आवाज़ उनके साथ एक समुख रख कर वहाँ पर रखी। माननीय मंत्री जी ने कुछ जो समस्याएं थी उनके निराकरण हेतु निर्देश शासनिक अधिकारी को दिए और देखिए समन्वय बैठाना हमारा पहला कर्तव्य है सरकार के साथ कि कार्य हो सके जनहित के, लेकिन जब हमें लगेगा कि जनहित के कार्यों में कोई अवरोध पैदा हो रहा है तो विरोध करना और सरकार को जगाना भी हमारा दायित्व है। नैनीताल जनपद में, नैनीताल जनपद रेवेन्यू कलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का बड़ा महत्वपूर्ण, पर्यटन हो, एक्साइज हो, खनन हो, तीन प्रमुख यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के हमारे पॉइंट्स हैं। इन तीनों की सहूलियत जो है उसको बढ़ाने के लिए मैंने आग्रह भी करा उनसे और व्यक्तिगत तौर से भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो मिलकर काम करने का प्रयास